हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। अपना सेकंड लेसन चल रहा था मोमेंट ऑफ ए फैमिलीज। शुरू करते हैं यहाँ से। जग्गूज फैमिली लिव्ड इन ए बिचपुरी विलेज। जग्गू का परिवार कहाँ रहता था, बिचपुरी गांव में रहता था। ही हैड स्मॉल शॉप इन ए विलेज, और उनके एक गांव में छोटी दुकान थी। ही अर्न ओनली सच ए लिटल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप That somehow he could run his family. He earned only such a little amount from this shop. और इस दुकान से वो क्या करता था, थोड़ी बहुत कमाई कर लेता था। That somehow he could run his family. और उससे उसको उसका गुजारा हो जाता था। His sons were growing up. और उनके बेटे बड़े हो रहे थे। One day, एक दिन his cousin came to the village. उसके कजिन ने उनके गांव आए। एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स अलोंग विद हिम टू द सिटी टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप। एक दिन उसके कजिन ने उनके गांव आए और उन दोनों बेटों को अपने साथ कहाँ ले गए, शहर में ले गए अपनी दुकान पर काम करने के लिए। लेटर जग्गूज सन्स भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। बाद में जग्गू का जो बेटा है भोला, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। At that time, he had to face various problems like shortage of money, place for business. But still, he did not lose courage and his relatives helped him. उस समय उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे पैसों की कमी, बिजनेस के लिए जगह। But still, he did not lose courage and his relative helped him. और फिर भी उसने अपना साहस नहीं खोया और उसके जो रिलेटिव थे उन्होंने उनकी सहायता की। Thus his business started running well. इस प्रकार उसका जो बिजनेस था वो अच्छे से चलना शुरू हो गया। He called his family here. और फिर उसके परिवार को उसने यहाँ बुला लिया। He made all arrangement for education of his younger brother and sister. He made all arrangement for education of his younger brother and sister. छोटे भाई और बहन के शिक्षा के लिए उसने सारे प्रबंध किए। Now they are running their own business. और अब वे अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। But still today they miss their family village. हालांकि आज भी वो अपने पैटर्नल विलेज को क्या कर रहे हैं, मिस करते हैं। On special occasion they visit their village. और एक ख़ास अवसर पर वे अपने गांव जाते हैं। फाइंड आउट एंड टेल। सम पीपल लिव इन द सेम विलेज और सिटी कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही गांव या शहर में लगातार कई सालों से रहते हैं। Find out about the people who have been living for 10 or more than 10 years around your residence. आपके आसपास से कि ऐसे लोगों के बारे में पता करिए जो 10 या 10 साल से अधिक वो रह रहे हैं। What is the difference in the homes of these families and the families who frequently change the places? What is the difference in the home of these families? तो ऐसे परिवारों के जो घर हैं उनमें क्या differences हैं, और जो परिवार अक्सर स्थान बदलते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिली लिव्स देयर होम्स एंड गो टू देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग। ड्यूरिंग रेनी सीजन वर्षा ऋतु के दौरान विच फैमिली लिव्स देयर होम्स, कौन सी फैमिलियां अपने घर को छोड़ती हैं। एंड गो टू देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग, और खेती के लिए अपने खेत में जाती है। व्हाट थिंग्स डू दे टेक अलोंग विद देम, और वे अपने साथ में क्या ले जाती है। ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रंस अटेंड स्कूल, और उस समय के दौरान उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कैसे करते हैं। हु ब्रिंग्स देयर नेसेसरी थिंग्स, और आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो कौन लेके आता है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता करना है। गलियाकोट इज ए टाउन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। गलियाकोट एक कस्बा है
और वो कहाँ है, डूंगरपुर ज़िले में है। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम्ब ऑफ द मौला फखरुद्दीन, जहाँ संसार की प्रसिद्ध गुम्बद मौला फखरुद्दीन स्थित है। शीतला माता टेम्पल, और शीतला माता भी मंदिर भी है, जैन टेम्पल भी है। विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, विच आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, जो कि एक स्पेसिमेन है आर्किटेक्चर की, एक अद्भुत स्पेसिमेन है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ ए इनअंडेड एरिया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम। कडाना डैम के कंस्ट्रक्शन के कारण गुजरात में दिस एरिया केम विद इन द रेंज ऑफ ए इनअंडेड एरिया। तो गुजरात में कडाना डैम के निर्माण के कारण जो ये जो एरिया है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बीकेम फ्लड प्रोन, और वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ बाढ़ भी आ जाती है। हैंस द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हाउसेज टू दोज पीपल एट सम न्यू प्लेस, इसलिए जो सरकार है वो उनको घर प्रोवाइड करवाती है एक नई जगह पर। इट प्रोवाइडेड देम द फैसिलिटी ऑफ स्कूल हॉस्पिटल एट्सेट्रा, और उनको स्कूल हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। टुडे दिस इज़ नोन एज ए रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू नॉट लिविंग देयर फील्ड्स एट्सेट्रा। टुडे आज दिस इज़ नोन एज ए रिहैबिलिटेशन कॉलोनी, बट सम पीपल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस। कुछ तो क्या है कि मतलब एक नई कॉलोनी में बस जाते हैं, और कुछ अपने जो नेटिव प्लेस हैं जो जहाँ से वो शुरू से रह रहे हैं वहाँ पर रहते हैं। थिंक एंड टेल व्हाई पीपल हैड टू लीव हाउसेज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम के कारण लोग घरों को क्यों छोड़ देते हैं। व्हाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड, डैम क्यों बनाए जाते हैं। इफ़ यू आर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉलोनाइज सच माइग्रेंट्स then what facilities would you try to provide there, if you are given the responsibility to colonize such migrants। तो ऐसे migrants के लिए आपको colonize की अगर responsibility दी जाए then what facility would you try to provide there, तो उनके लिए आप मतलब कौन कौन सी facility provide करवाओगे कि आपको अगर colony बनाने की responsibility दे दी जाए तो आप वहाँ क्या क्या चीज़ें लगाओगे, कॉलोनी में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आपको ये इसके बारे में सोचना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना यहाँ लेसन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके वर्ड मीनिंग करेंगे आगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।